रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 केमिकल इंडस्ट्रीज, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज और ख़ास तौर पर MCQs के बारे में डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला MCQs है, वो कहते हैं कंसनट्रेशन इज आ, हमने ये अपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था मेटलर्जी के प्रोसीजर में, कि कंसंट्रेशन कहते हैं किसी ओर में से या जो हमारे पास टोटल मटेरियल निकलता है जिसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं और कई पार्टिकल्स होते हैं, उनमें से ओर को सेपरेट करना, वो एक कंसंट्रेशन प्रोसीजर कहलाता है। तो हमने ये ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से हमने एग्जैक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन इज आ मिक्सिंग टेक्निक, मिक्सिंग नहीं है क्योंकि हमने तो अलहदा करना है, ये ए ऑप्शन है। दूसरा बी ऑप्शन है सेपरेटिंग टेक्निक, और सी ऑप्शन है बॉइलिंग टेक्निक, इसमें हम किसी तरह की कोई बॉइलिंग नहीं करते हैं, और डी ऑप्शन है कूलिंग टेक्निक। तो जो हमारे पास एक्यूरेट ऑप्शन है वो बी है, दैट इज सेपरेटिंग टेक्निक, क्योंकि हम इम्प्योरिटीज में से ओर्स को सेपरेट करते हैं। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड MCQ है हमारे पास कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट द ओर, ओर को इकट्ठा करने के लिए हमने फ्रोथ फ्लोटेशन भी प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें सारी ओर जो है वो सरफेस, पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती है, जैसे झाग आ जाती है पानी के ऊपर। तो ये पहले पानी वो मिक्स होती हैं, और वो मिक्स होने के बाद ऑयल डाला हुआ होता है, वो ऑयल इनको सेपरेट कर देता है, तो मिक्स होते वक्त वो सारी गीली हो जाती हैं, इसलिए इस टेक्निक को वेटिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन यही हैं, पहला है डेंसिटी बेसिस पर ये फ्रोथ फ्लोटेशन किया जाता है, नहीं वो ग्रेविटी सेपरेशन होता है। कंसनट्रेशन बेसिस, नहीं ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन सी वाला है, वो वेटिंग बेसिस है, और डी वाला है मैग्नेटिक बेसिस। मैग्नेटिक बेसिस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट इज वेटिंग बेस। ओके, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। उसके बाद थर्ड जो MCQ है हमारा, दैट इज मेटे इज द मिक्सचर ऑफ, यहाँ ऑप्शन दिए हो गए, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज CO2S एंड FeS, क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर्स। उसके बाद फोर्थ हमारा जो MCQ है वो है कि इन द बेसिमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास सही है, मोल्टन मैटे इज हीटेड, मोल्टन मैटे is heated in this process. Okay? Next देख लेते हैं हम 4-5 वाला जो MCQ है, उसकी स्टेटमेंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर ओर इज कैरिड आउट बाय, अब उसके चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सी है, और उसके जो स्टेटमेंट का आंसर है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास जो 6 वाला MCQ है उसका क्या बनता है आंसर, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है थ्रू द अमोनिकल ब्राइन के अंदर से, तो क्या चीज बनती है। तो इसका ए वाली जो स्टेटमेंट है उसका आंसर सही है, हमारे पास जो है सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, NaHCO3, ये हमारे पास सही जो हमारा आंसर है वो ये बनता है। उसके बाद ये बी ऑप्शन सही है, ये ए वाला नहीं है, बी ऑप्शन सही है, और वो है हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि अमोनिकल ब्राइन, अमोनिया की मौजूदगी में हम ये सारा काम करते हैं, तो अमोनिया उसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद 7 वाला है कि सॉल्वर प्रोसेस के अंदर स्लेक लाइम क्यों यूज करते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, वो हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए, तो वो हमारा ए वाला ही ऑप्शन है, टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 8वां जो हमारा MCQ है, दैट इज व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो इससे क्या हमें हासिल होता है। वैसे तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन मिलता है इससे वो ए ही है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड भी
रिलीज होती है। असल में ये रिएक्शन ऐसे होता है कि आपके पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब होता है, इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है हमें, साथ कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है और साथ वाटर हासिल होता है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ, इसलिए हमने इसी को करेक्ट कर लिया, ठीक है। और आखिर में है फार्मूला ऑफ यूरिया, 10 वाला जो 9 वाला हमारे पास वो फार्मूला ऑफ यूरिया वो कह रहे हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन एक्यूरेट है वो है हमारे पास NH2CONH2। ये हमारे जो है MCQs हल होते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मींस के नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।